नवरात्रि की शुभ बेला में 12 देवियां देंगी वरदान, 12 मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज मिलेगी ग्रह दोषों से मुक्ति, सफलता के खुलेंगे द्वार, खुशियों से भर जाएगा भक्तों का घर बार, मिलेगा जग जननी का आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं पिनाज और मेरे साथ हैं कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर योगी सत्येंद्रनाथ जी और हम दोनों यहां पर नवरात्र के इस मौके पर आपको बताने आए हैं किस तरह से देवी के 12 अलग अलग रूप आपके जीवन में भर सकते हैं खुशियां। तो कौन सी है वो देवी और क्या है उनको प्रसन्न करने के मंत्र और कैसे और क्या मनोकामना होगी आपकी पूर्ण नवरात्र के इस पर्व के दौरान, यही जानेंगे हम योगी जी से। तो सबसे पहले बागेश्वरी देवी जो होती हैं, माँ का एक रूप है, वो क्या मनोकामना पूर्ण करती हैं और उनको अगर प्रसन्न करना हो वो भी नवरात्र में तो कैसे करें? जब हम अपने पुराणों को देखते हैं तो अग्नि इत्यादि, मार्कंडेय इत्यादि पुराणों में देवी के विविध स्वरूपों का विवरण है। उन्हीं में से एक विशेष स्वरूप है बागेश्वरी देवी और इन्हें सरस्वती भी कहा जाता है। सरस्वती देवी का एक स्वरूप है। तो इनकी साधना कैसे करनी है, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि देवी सरस्वती के बागेश्वरी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिनमें उनके हाथों में वीणा इत्यादि उन्होंने धारण कर रखी हुई है। ऐसे स्वरूप का ध्यान करने के पश्चात माँ को फूलों की माला और सफेद कपड़े से बनी हुई एक ध्वजा डंडे पर उसे लगाइए और जहां प्रतिमा अथवा चित्र माता का होता है वहां अवश्य स्थापित करना चाहिए और मौली बांध देनी चाहिए। फिर दक्षिणा सहित देवी का ध्यान करें, अर्पित करें और माँ की प्रतिमा चित्र को अपने निकट रखना चाहिए और उसका पवित्रीकरण पंचोपचार पूजन करना चाहिए। फिर आसन बिछाएं और मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है एम कुलजे एम सरस्वती स्वाहा, एम कुलजे एम सरस्वती स्वाहा। स्फटिक की माला से मंत्र का जाप करना है और 17 माला का मंत्र जाप आपको करना चाहिए और संध्या होने पर देवी की प्रतिमा के सम्मुख एक अखंड दिया जला लें और फल मेवा मिठाई इत्यादि आपको अर्पित करना चाहिए और कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। तो ये जो विशेष प्रयोग है ये अखंड बुद्धि तेज बल विद्या के लिए है और विशेषतः परीक्षाओं में सफलता के लिए और जीवन में कोई भी परीक्षा आपकी हो उसमें अवश्य सफलता मिलती है, बुद्धिवर्धन होता है। चलिए, तो माँ बागेश्वरी को पूजा किस तरह से जाए, क्या हो मूल मंत्र उनको प्रसन्न करने का, ये तो हमने जान लिया। माँ का एक और रूप है गौरी देवी, तो गौरी देवी का जो रूप है वो क्या है, थोड़ा उस रूप की महिमा बताएं और फिर उनको प्रसन्न करने का मंत्र भी। देवी गौरी पार्वती का वो स्वरूप है जिसमें वो अत्यंत श्वेत वदना है और बेहद आकर्षक और दिव्य स्वरूप धारण करने वाली देवी है और सात्विक स्वरूप में प्रतिष्ठित होती हैं। तो देवी गौरी की ऐसी स्वरूप की महिमा का गुणगान करते हुए ध्यान वंदन करें और माँ को पान लौंग इलायची और दक्षिणा एक लाल वस्त्र में रख करके अर्पित करना चाहिए अथवा चुनरी पे आप रखकर अर्पित कर सकते हैं। फिर देवी के मंदिर में जाकर या देवी की प्रतिमा के पास गंगा जल नारियल इत्यादि अर्पित करना चाहिए और फिर स्वयं आसन बिछाकर अपने मंत्र का जाप कीजिए। आपका मंत्र है ओम रीम सा शौम गौर्ये नमः, ओम रीम सा शौम गौर्ये नमः। रुद्राक्ष की माला से 14 माला का मंत्र जप आपको करना है और शाम को देवी की प्रतिमा के सम्मुख एक दिया जलाना है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक पेठे का प्रसाद आप भोग के स्वरूप में अर्पित करें और संभव हो तो किसी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और मानसिक रूप से देवी की स्तुति करनी चाहिए। तो ये जो प्रयोग है इससे आपको दिव्य आध्यात्मिक तेज प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति माता की अनुकंपा से आप प्राप्त करते हैं। चलिए, तो माँ गौरी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही कामना है। और माँ का अगला रूप है त्रिपुर सुंदरी, तो सुंदर तो होंगी क्योंकि नाम के साथ ही सुंदरी जुड़ा हुआ है, तो माँ के रूप की महिमा और हमारी कौन सी मनोकामना पूर्ण करती है माँ? जी, देवी का ये एक अद्भुत स्वरूप है और इस स्वरूप की इतनी महिमा है कि अनेकों आगम निगम ग्रंथ इस स्वरूप से भरे पड़े हैं। तो देवी के त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं और देवी माँ को एक छोटा सा त्रिशूल श्रद्धापूर्वक अर्पित करना चाहिए, कुछ कौड़ियां लाल वस्त्र में अथवा चुनरी में रख करके देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। फिर संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए, सात्विकता से अपने जीवन को जिए और फिर अपनी मूल मंत्र से साधना संपन्न करें। आपका मंत्र है, इस मंत्र को सावधानी से पढ़ें, थोड़ा सा क्लिष्ट मंत्र है, ओम नमो भगवती ज्वालामालिनी ग्रीध्र गण परिवृते स्वाहा, ओम नमो भगवती ज्वालामालिनी ग्रीध्र गण परिवृते स्वाहा। तो मानसिक रूप से अधिक मंत्र का आपको जाप करना है, किसी माला इत्यादि की आपको आवश्यकता नहीं है।
तो फिर देवी माँ को एक अखंड दिया प्रस्तुत कर दें और दूध से बने पदार्थों का प्रसाद मैया रानी को अर्पित कीजिए और त्रिपुर सुंदरी देवी के 108 नामों का स्मरण करने से अखंड यश सौंदर्य और प्रसिद्धि आपको प्राप्त होती है और देवी माँ की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। चलिए, माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा आप पर भी बरसेगी। और अगला रूप है देवी दुर्गा का और नवरात्र में माँ दुर्गा के रूप की हम आराधना करते हैं। शायद माँ का एक रूप है जो सबसे ज्यादा आंखों में रचा बसा है और प्रमुख है, तो ये रूप क्या कुछ वरदान देगा? आपने बहुत श्रेष्ठ बात कही कि सबसे अधिक प्रिय यदि कोई देवी का विग्रह है तो वो माँ दुर्गा ही है साक्षात सिंह वाहिनी। तो माँ के सिंह वाहिनी स्वरूप का ही आपको मानसिक रूप से ध्यान करना है, उनका पंचोपचार पूजन संपन्न करें। केसर और रक्त चंदन, गौलोचन और कुछ चूड़ियां आपको बांध करके चुनरी के साथ मैया रानी को अर्पित करनी चाहिए श्रद्धा पूर्वक। फिर भंडारे को अथवा माता के जगराते इत्यादि के लिए कुछ न कुछ आपको सहयोग राशि अथवा जो बन पड़े अवश्य देना चाहिए और स्वयं प्रसाद बांटने का प्रयास करना चाहिए। और फिर मूल मंत्र की साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम ह्रीम दुर्गे रक्षिणी संरक्षिणी स्वाहा। ओम ह्रीम दुर्गे रक्षिणी संरक्षिणी स्वाहा। रक्त चंदन की माला से 16 माला का जाप आपको करना चाहिए और देवी को एक दिया प्रस्तुत करना चाहिए जो अखंड हो और फिर पेठे और मीठी रोटी का प्रसाद बनाकर मैया रानी को अर्पित कीजिए। अपनी कुल देवी का अवश्य ध्यान करना चाहिए, उनके मंदिर में जाना चाहिए। दुर्गा चालीसा आरती इत्यादि का जब आप पाठ करते हैं तो देवी आपके समस्त शत्रुओं का नाश करती हैं और हर ओर आपके मित्र ही मित्र बनते हैं, अखंड कीर्ति आपकी जगत में फैलती है। चलिए, तो माँ दुर्गा के रूप के बारे में हमने जान लिया, अब कात्यायनी देवी की पूजा भी हम करते हैं नवरात्र में, तो कात्यायनी रूप की महिमा क्या है? देवी माँ का कात्यायनी स्वरूप अत्यंत दिव्य और अमोघ स्वरूप माना जाता है, तो माँ के इसी स्वरूप का ध्यान और आवाहन करना चाहिए। तो इनकी साधना का विधान है कि देवी माँ को कुछ फूल मालाएं और कुछ दक्षिणा सहित लाल वस्त्र आपको अर्पित करना चाहिए, चुनरी अर्पित करनी चाहिए और बिल्कुल सहज सरल तरीके से अपने मंत्र का जाप कीजिए। आपका मंत्र है ओम नमो कात्यायनी वैष्णवी स्वाहा। ओम नमो कात्यायनी वैष्णवी स्वाहा। तो मानसिक रूप से अधिक मंत्र का जाप करना है, किसी माला इत्यादि की मंत्र में आपको आवश्यकता नहीं है। फिर देवी को एक दिया इत्यादि और पंचोपचार पूजन इत्यादि आपको संपन्न करना चाहिए। मेवे का प्रसाद अर्पित कीजिए और देवी के चित्र पर कुमकुम, तिलक और केसर इत्यादि अर्पित कीजिए। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए, तो इससे मैया रानी आपके रोगों का नाश करती है और जीवन भर स्वस्थ शरीर आपको प्रदान करती है और आपको वो सदा सदा रोगों इत्यादि से बचा कर रखती है। तो ये देवी माँ की महिमा है। कात्यायनी माँ की पूजा हमने कर ली और देवी माँ का एक और रूप होता है त्वरिता देवी, तो हम समझना चाहेंगे तो त्वरिता देवी नाम क्या है और क्या महिमा है माँ के? अग्नि पुराण में देवी माँ की त्वरिता स्वरूप का विवरण है, अर्थात वो माँ जो तुरंत आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, दुखों को सुनती हैं और सुखी सुख आपके जीवन में लाती हैं। तो देवी त्वरिता का स्वरूप इस प्रकार से है कि वो अग्नि के मध्य विद्यमान है, तो देवी के ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र, पीले पुष्प और कुछ दक्षिणा चुनरी में रखकर देवी को अर्पित करने चाहिए। 21 कौड़ियां और 3 सुपारियां देने का विधान है, तो वह आप अर्पित करें और फिर मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम क्षा स्त्रीम हूं क्षेम फट। मंत्र थोड़ा सा जटिल है, मैं पुनः इसका उच्चारण कर रहा हूं, ओम ह्रीम क्षा स्त्रीम हूं क्षेम फट। इसी मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है और 2 माला का मंत्र जाप आप अवश्य करें और शाम को देवी माँ की प्रतिमा के सम्मुख एक दिया जलाकर प्रस्तुत करें। लड्डुओं का प्रसाद उन्हें अर्पित करना चाहिए और विवाहिता स्त्रियों को पहनने योग्य वस्त्र उपहार में देने चाहिए अथवा गरीब बालकों को दक्षिणा प्रसाद इत्यादि देने से। यदि आपके जीवन में संतान सुख की कमी है अथवा आपके संतान है लेकिन उन पर हमेशा कोई संकट आता है, तो उन सबकी रक्षा होती है और जीवन में मंगल ही मंगल और सुख समृद्धि आपके घर अवश्य आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात माँ के मंगला देवी रूप के, इस रूप की क्या खासियत है और साथ ही साथ इनको प्रसन्न करने के लिए क्या होगा विधान और मंत्र? जो देवी का मंगला स्वरूप है, जैसे नाम से ही सर्वविदित है, हमेशा सर्वदा नित्य मंगल ही मंगल करने वाली देवी माँ के ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसमें वो हिरण पर विद्यमान है, हिरण के आसन पर बैठी हुई है, ये देवी का मंगला स्वरूप कहा जाता है। तो ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और माँ को लाल और पीले रंग की चूड़ियां बांधकर मिश्रित करके पुष्पहार सहित अर्पित करनी चाहिए और चुनरी के साथ कुछ दक्षिणा अर्पित करें और फिर कम से कम बोलना चाहिए और क्रोध इत्यादि करने से बचना चाहिए, अर्थात संयम रखना चाहिए और फिर मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम क्षौम ह्रीम नमो मंगलायै स्वाहा। ओम क्षौम ह्रीम नमो मंगलायै स्वाहा। रुद्राक्ष की माला से 19 माला का मंत्र जाप आपको करना चाहिए और देवी की प्रतिमा के सम्मुख दिया इत्यादि जलाने के पश्चात पेठे का प्रसाद निवेदित करें, कन्याओं को उपहार दें, उनका पूजन करें और इससे
आपके जीवन में यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होता है और मनोवांछित वर आपको प्राप्त होता है और जीवन में इस प्रकार सौभाग्य प्राप्त होता है कि सुखी सुख बना रहे। मनोकामना की 12 देवियां आप पर बरसाएंगी कृपा और खुशियां अपार। अलग अलग माँ के रूपों को कैसे करें प्रसन्न इस नवरात्र के दौरान, यही हम आपको बता रहे हैं। और अगली कड़ी में आ गया है माँ का देवी लक्ष्मी रूप। जी, जो माँ का लक्ष्मी स्वरूप है ये अद्भुत है, लेकिन माँ लक्ष्मी के स्वरूप का जब ध्यान और आवाहन करेंगे तो गणपति जी का अवश्य ही ध्यान और वंदन आपको करना है और साथ ही मैया रानी को नारियल, कुमकुम, केसर, इत्र इत्यादि दक्षिणा सहित चुनरी में आप रख दीजिए जहां आप साधना कर रहे हैं वहीं। और फिर उस दिन ब्रह्मचर्य नियम का कठोरता से पालन करें और दोपहर में आपको नहीं सोना है, सोने इत्यादि से परहेज करना है। फिर मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम लक्ष्मी सर्वेश्वरी हुम, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी सर्वेश्वरी हुम, इसी मंत्र का कमल गट्टे की माला से 21 माला का मंत्र जाप आपको करना है। और संध्या को आरती पूजा इत्यादि संपन्न करें, दिया इत्यादि जला लें और मीठे आंवले का प्रसाद आपको अर्पित करना चाहिए। कन्या पूजन करें तो इससे अखंड धन धान्य की, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि के नए स्रोत खुलते हैं और स्थायी रूप से लक्ष्मी का आपके घर में वास हो पाता है। चलिए, तो ये तो बात हुई माँ के लक्ष्मी रूप की। और चंडिका देवी का रूप जो है, क्या गुस्से वाली होती है माँ? हाँ बिल्कुल, जैसे कि नाम से ही सर्वविदित है कि माँ क्रोध स्वरूप में चंडिका नाम के स्वरूप को उन्होंने धारण किया, चंड मुंड का वध कर रही हैं। ऐसे स्वरूप का ध्यान करें, फिर देवी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प, सिंदूर और दक्षिणा रक्त वस्त्र में रख करके चुनरी में रखकर देवी को अर्पित करें, किंतु स्वयं आप सात्विक आहार ही ग्रहण करेंगे और गले में रक्त चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए और पश्चात मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका मंत्र है, ओम ह्रीम नमो दुर्गे चंड चंडिके स्वाहा, ओम ह्रीम नमो दुर्गे चंड चंडिके स्वाहा। रुद्राक्ष की माला से 15 माला का जाप करें और देवी को देह इत्यादि प्रस्तुत करें, उसके पश्चात फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए और देवी के सम्मुख दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करें। और रात्रि में तकिया माता के चित्र और प्रतिमा की तरफ रखने से आपका भाग्योदय होगा, आर्थिक लाभ मिलेगा और सामाजिक रूप से आपकी नित्य उन्नति ही उन्नति। चलिए, माँ गुस्से में जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत सारा लाभ करेंगी अगर आप पूरे विधि विधान से पूजा करें और मंत्र का जाप करें। भद्रकाली रूप की महिमा क्या है और क्या मनोकामना पूर्ण होती है, इससे जान लेते हैं योगी जी से। जो देवी भद्रकाली हैं, इनका भी उग्र और काला श्याम वर्ण का स्वरूप है, इसी स्वरूप का ध्यान करते हुए देवी माँ का पूजन करें। तो देवी माँ को लौंग, इलायची, कपूर, गौरोचन, सिंदूर चुनरी में रख करके अर्पित करना चाहिए और फिर पीले पुष्प और पुष्पों का हार अर्पित करना चाहिए। और साधना संपन्न करने के लिए ये विशेषतया संध्या का समय माना गया है जिसे सर्वश्रेष्ठ काल कहते हैं। उसी काल में लाल रंग का कंबल चुनकर उसका आसन बनाकर दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखें और मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है, ओम हुम ज्वल नमो भद्रकाली के स्वाहा, ओम हुम ज्वल नमो भद्रकाली के स्वाहा। रुद्राक्ष की माला से 13 माला का मंत्र जाप आपको करना है और देवी की प्रतिमा के सम्मुख एक दिया जला लें और मेवों का और फल सहित मिष्ठान इत्यादि का प्रसाद अर्पित करें। और देवी की आरती स्तुति करने से नजर इत्यादि का दोष, ग्रह दोष और हर तरह का तंत्र मंत्र और सकल बाधाएं देवी क्षण मात्र में हारती है और भक्तों को सुखी सुख। माँ देवी के 12 रूप आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे इस नवरात्र। तो माँ के ये अलग अलग रूप कौन से हैं, कौन कौन सी मनोकामना पूर्ण करेंगे और विधि विधान और मंत्र क्या हो, यही हम आपको बता रहे हैं और इसमें मदद कर रहे हैं हमारे साथ योगी सत्येंद्र नाथ जी। और अब माँ के अगले रूप की ओर हम बढ़ते हैं, प्रचंडा देवी रूप। जी, क्या करती है हमारे, जैसे कि आपने कहा प्रचंडा, ये इतनी प्रचंड शक्ति से भरी हुई है कि आपके जीवन में कोई संकट ऐसा नहीं जिसे माँ ना हर सके। तो आपको देवी माँ के ऐसे ही दिव्य प्रचंड स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पुष्प, पंचामृत, नारियल और दक्षिणा रक्त वस्त्र में अथवा चुनरी में रख करके अर्पित करना चाहिए और पूजा स्थल पर एक चौमुखा दिया देवी के नाम पर जलाना चाहिए और अपने गले में मूंगे की माला अथवा हकीक की माला साधक को धारण करनी चाहिए। फिर मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है, ओम ह्रीम प्रचंड चंडे स्वाहा, ओम ह्रीम प्रचंड चंडे स्वाहा। तो रुद्राक्ष की माला से 14 माला का मंत्र जाप आपको करना है और देवी माँ की प्रतिमा के सम्मुख आरती, दिया इत्यादि स्थापित करें और यथासंभव फल आदि का प्रसाद निवेदित करना चाहिए और बांटना भी चाहिए। और देवी के विग्रह के सम्मुख दुर्गा चालीसा, आरती इत्यादि का आपको पाठ करना चाहिए। तो इससे आपके हर काम में आपको अवश्य सफलता मिलती है। जीवन में कोई भी ऐसा संकट नहीं है जिसको देवी प्रचंडा नष्ट न कर सके आपकी उस दुख। यानी कि अगर किसी तरह का कोई संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है तो देवी प्रचंडा की आराधना जरूर लाभप्रद होगी। जी बिल्कुल। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अगली देवी का रूप और नाम है सुर नायिका। तो इस नाम रूप की महिमा और इन्हें प्रसन्न करने का विधि विधान। जैसे कि नाम है सुर नायिका, अर्थात देवताओं की इष्ट, जो देवताओं के द्वारा नित्य वंदनीय और पूजनीय है,
ऐसी देवी, क्योंकि ये देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है, तो आप देवी पार्वती का ध्यान करते हुए उनका ध्यान आवाहन और पंचोपचार पूजन करें। तो देवी माँ को सिंदूर, पुष्प, माला और चुनरी अर्पित करनी चाहिए और पंचमेवा और मिश्री का प्रसाद बनाकर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री एक पात्र में खीर बना करके श्रद्धापूर्वक आप देवी माँ को निवेदित करें और स्वयं नीले रंग के कंबल का आसन बना करके पूर्वाभिमुख होकर के अपने मूल मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम ऐम ह्रीम श्रीम सुरप्रिय स्वाहा, ओम ऐम ह्रीम श्रीम सुरप्रिय स्वाहा। तो रुद्राक्ष की माला से 16 माला का मंत्र जाप आपको करना है और देवी माँ का पंचोपचार इत्यादि करने के पश्चात फलों का प्रसाद, मिष्ठान का प्रसाद निवेदित करें और माँ की स्तुति वंदना करें, तो आपके जीवन में स्थायी सुख आता है और सकल ग्रह बाधा, सकल दोष, सकल प्रपंच आपके जीवन के नष्ट होते हैं और मैया रानी की अद्भुत कृपा पर अवश्य बरसती ही बरसती है। योगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और माँ के इन 12 अलग अलग रूपों और पूजा विधि विधान के बारे में बताया, आपका शुक्रिया। और माँ के ये रूप आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी कामना के साथ हम लेते हैं इजाजत। आप देखते रहिए आज तक।